हेलो व्यूअर्स, मौसम फूडी में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन नहारी, जो कि स्वाद में है बेहद लजीज और बनाने में है बेहद आसान। आए सीखते हैं। चिकन नहारी बनाने के लिए हमने लिया है 750 ग्राम चिकन, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच धनिया, 6 से 7 लौंग, 10 से 15 काली मिर्ची, 3 से 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज़पात का पत्ता, आधा चम्मच सौंठ, 2 पीस जावित्री के, आधा जायफल, दालचीनी, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, प्याज, तेज़पात के पत्ते 3 से 4, इलायची और लौंग, आधा चम्मच हल्दी। अब हम सबसे पहले अपने लिए गए सारे खड़े मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। सभी खड़े मसाले और सॉल्ट पाउडर को हमने इस तरह ग्राइंड कर लिया है। अब हम अपने चिकन नहारी की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ 3 बड़े चमचे मस्टर्ड ऑयल यानी के सरसों का तेल ले रहे हैं। सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से पहले गरम कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेज़पात के पत्ते, लौंग और बड़ी इलायची डाल देंगे। और अब हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें अपना चिकन मिक्स कर देंगे। अब हम इसको इसी तरह 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 5 मिनट के बाद अब हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ खड़ा मसाला, जिसमें हमने आधा चम्मच सॉल्ट भी मिक्स की थी, वो डाल देंगे और आधा ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसको इसी तरह 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। चार गिलास पानी डालने के बाद अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें एक प्याज और डाल रहे हैं। प्याज डालने के बाद अब हम इसको ढक देंगे। दोस्तों, इस बीच हम नहारी का मेन इंग्रेडिएंट यानी के आलन की तैयारी कर लेते हैं। आलन के लिए हमने यहाँ लिए हैं 3 चम्मच नॉर्मल आटा। जी हाँ, नॉर्मल आटा जो हम घर में रोटी या चपाती बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक भून लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको नहारी की ग्रेवी थिक पसंद है तो आप इसमें आटे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब 1 मिनट हो चुका है, अब हम फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसको अभी थोड़ी देर के लिए अलग रख देंगे। नहारी को पकते हुए अब
15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा तार यानी कि कुकिंग ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम इस कुकिंग ऑयल या फिर तार को एक अलग कटोरी में निकाल के रख लेंगे। हमारा ये तार नहारी को सर्व करते वक्त गार्निशिंग के लिए काम आएगा। याद रहे दोस्तों, हमें इस तार को या फिर इस कुकिंग ऑयल को जो ऊपर आया है, इसको हमें आलन लगाने से पहले ही निकाल लेना है। अगर आपने आलन लगा दिया तो ये तार आपको नहीं मिलेगा। अब इसको ढककर हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। दोस्तों, एग्जैक्ट 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम देखेंगे कि हमारे चिकन पीसेस अच्छे से गले हैं या नहीं गले। आप देख सकते हैं हमारे चिकन पीसेस एकदम अच्छी तरह से, जिस तरह से नहारी के अंदर मीट पकना चाहिए उस तरह पक चुका है। दोस्तों, अब हम लगाते हैं इसमें आलन। आलन लगाने के लिए हमने जो 3 चम्मच आटा, जिसको हमने 1 से 2 मिनट तक रोस्ट किया था, अब हम उसमें पानी मिला रहे हैं। हमें आटे और पानी को अच्छे से मिक्स करना है। याद रहे, आटे में लम्स ना रह जाएं। आप देख सकते हैं हमारा आटे और पानी का मिक्सचर अब तैयार है। अब हम ग्रेवी से अपनी डाली हुई प्याज को अलग निकाल लेंगे और इसमें आटे और पानी का इस तरह से घोल मिक्स करेंगे। इस तरह हमें धीरे धीरे इसको चलाना है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक इस तरह ढककर मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद हमारी नहारी, चिकन नहारी तैयार है। व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी नहारी एकदम तैयार है। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे।